हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो? मुझे सब अच्छे होंगे। तो आज ये दूसरा दिन है हमारा और आज है करवा चौथ। सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई और सबको घर में खुशियां आए। गणेश जी महाराज सबको सब सुख शांति दे। तो इसी के साथ में और आज मैं सुबह करवा चौथ के दिन और मंदिर गई थी। मंदिर में इतनी तो ये हमने बनाए हैं छोले और इधर बन रही है हमारी चाय। और अब हम तैयारी करेंगे। हमारे यहाँ सरगी वगैरह नहीं खाते हैं तो हमने सरगी नहीं खाई है। हम जो खाना रात को खाते हैं वही खाना खा के हम सोते हैं सुबह कोलगेट वगैरह करके। उसके बाद फिर हम कुछ भी नहीं खाते पीते, पानी वानी को तो हम कुछ नहीं खा पी सकते हैं। बस जो हम रात को खाते हैं वही हम खा के और पूरा दिन, जब शाम दिन में हम बिना नहाए चाय पी लेते हैं। उसके बाद में फिर नहाने के बाद में फिर कुछ नहीं लेते हैं। तो मैं तो नहा ली हूँ, सुबह मंदिर जाती हूँ तो इसलिए मैं नहा ली हूँ। और शाम को करेंगे तैयारी। चूड़ियाँ मैंने अभी वैसे ही डाली हैं और देखो मेरी मेहंदी तो बहुत काली हो गई है। हाँ, क्योंकि अब मैं मैंने बड़ी थोड़ी इतना सी है तो क्या काम करने करती हूँ। के बाद भी काली है। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं और सुबह के बज रहे फ्रेंड्स, हैं 9 9 बजे। मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी और माधव की रसोई ब्लॉग में। तो अब 2 4 दिन तो मतलब यही रहेगा क्योंकि आज हमारे यहाँ बहू की पहली करवा चौथ है तो उसके घर से आने वाले हैं। तो वो क्या आएगा वो मैं सब अगले वीडियो में दिखाऊंगी आपको कि उसके पीहर से क्या आएगा जो माई का पास नहीं है तो वो क्या लेके आएंगे। और आज उसका है पेपर, आज वो पेपर देने जाएगी 12 बजे, 12:30 बजे पेपर देने जाएगी। तो उसके बाद में आके फिर शाम को करेंगे तैयारी। वो मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको कि हमने क्या क्या किया है। तो जब तक के लिए सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी करवा चौथ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हेलो मुस्कुराते रहिए। फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ और देखो मैं दोबारा से नहा के आ गई हूँ और अब मैं क्या करूंगी। और टाइम हो रहा है 2:15, तो मैं अभी 2:15 बजे तो मैं नहीं कुछ भी करूंगी। और ये देखो 2:15 हो रहे हैं और मैंने सर धोया है दोबारा से। मैं सुबह मंदिर गई थी तो नहा के गई थी तो फिर मैंने आके चाय वाय पी ली थी। तो हमारे जो हम रात को खाते हैं ना उसके बाद में फिर सुबह को जैसे यहाँ सर्दी वगैरह होती है वो कुछ भी नहीं होता है। जो रात को खाया है तो हम लोग वो ही खाते हैं। तो इसलिए ना मैं नहाई और मैं मंदिर गई, मंदिर से आके और घर का काम किया सारा। और अब मैंने सर धोया है। सर धोने के बाद में पहले मैं गौर बनाऊंगी और गौर बना के फिर उसका श्रृंगार करूंगी, फिर अपना श्रृंगार करूंगी। तो चलो और मैं बनाती हूँ। और मैंने हेलो वही घर वाले ही फ्रेंड्स। कपड़े डाले हुए हैं क्योंकि साड़ी बहुत हैवी है तो वो मतलब हैवी नहीं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी। तो ये साड़ी है ना तो मेरे से पहनी नहीं जाएगी, मतलब पहन के मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। इसलिए ना मैं अभी वही सब कुछ डाला हुआ है, गले में भी कुछ नहीं डाला हुआ है। और ये साड़ी है मेरी जो मेरे बेटे की सगाई पे आई थी। और बस तो वही है। ये मैं जब पहनूंगी, जब मैं पूरी गौर मैया बना लूंगी, अपनी पूजा की थाली सब कुछ सजा लूंगी, फिर मैं तैयार होंगी। तो दोस्तों, ये मेरी है, ये और मैं ये पहनूंगी। चुन्नी है उसी के यहाँ से आई है। तो ये चुन्नी है अच्छा, ऊपर लेने वाली जो हम करते हैं। और हमने मंगाए करवे, जो पूजा का सामान है ना सारा, तो वो मैं सजा के आपको दिखाऊंगी कि अब के मैं कैलेंडर नहीं लेके आई हूँ और मैं लेके आई हूँ ये वाली वो फोटो, जिससे कि फोटो ले आई हूं मैं हर बारी नहीं। और मैं अपने इसको मंदिर में रख लूंगी। उसके बाद में इसकी आज हम पूजा करेंगे इसकी। और मैं कहाँ पर लगाऊंगी इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये है, हम रखेंगे इधर अपनी माता रानी को। और मैं तो ये हमने अपनी अब करवा चौथ मैया को रख लिया है। अभी मैं करवे, और ये देखो हमारे यहाँ पर ये करवा चलता है ना, ये आप जानते होंगे। तो इसको हमारा करवा है और ये करवे को मैंने इसमें से निकाल लिया है। और इसको मैं किससे भरती हूँ, चावलों से। ये हमने इसमें चावल भर दिए हैं और इसको मैं रख दूंगी अभी। और सारी तैयारी करने के बाद मैं मिलती हूँ। बने रही है इस माधव की रसोई ब्लॉग में। तो मेरी कोई रेसिपी नहीं बन रही है क्योंकि त्योहार का सामान लाने में टाइम लग रहा है। तो ये ना पीली मिट्टी लेके आई हूँ और इस पीली मिट्टी से मैं इसकी बनाऊंगी।
गौर मैया, जो पीली मिट्टी होती है ना, अपने गांव में तो बहुत होती है, यहाँ तो मिलती नहीं है, पर मैं गमलों में से जो पीली पीली सी होती है उसको निकाल लेती हूँ, तो इसकी मैं गौर मैया बनाऊंगी। तो बस अब इसको गीला कर लिया है और इसकी अब मैं ऐसे करके गौर बना दूंगी, इसके हाथ बनाऊंगी। आपके यहाँ भी जो हमारे यूपी साइड के हैं, अलीगढ़ साइड के हैं, या यूपी में कहीं भी देखोगे आप, ये चीजें जरूर बनेंगी। आरती हट हाँ जा इधर से। ये है हमारी गौर माई, हमारे ये शादियों में भी बनती है और करवा चौथ पे भी बनती है, तीजों पे भी बनाते हैं इसको। ये हमने कर ली तैयार, और अब मैं इसको क्या करूंगी, इसका मैं पूरा श्रृंगार करूंगी। ये हमारी गौर मैया हो गई बनके तैयार। अब तो ये हम लगा रहे हैं अपनी गौर मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। इनको हमने लगा दिया है बिंदी सिंदूर, और ये हम लगाएंगे थोड़ा काजल, क्योंकि वैसे ही लगाऊंगी क्योंकि लगता तो है नहीं, तो इसे मैंने इसका लगा दिया। और अब मैं लगाऊंगी इनकी नेल पॉलिश, इनको नेल पॉलिश लगा दूंगी। इसके अंदर मैं लिपस्टिक लगा दूंगी मैया की, और ये हम जो लिपस्टिक लगाते हैं ना, ये वो ही है। तो माता रानी का अब हम लगाएंगे महावर। ये देखो महावर घोल दिया है, तो महावर में पहले अपनी गौर मैया को लगाऊंगी। ये लग गया महावर, और अब हमारी महारानी हो गई तैयार। काजल का थोड़ा हो रहा है कि काजल नहीं लग रहा है, सूखा काजल नहीं लगेगा, मैं सूखा इनको काजल भी लगाऊंगी। और अब बस अब अपनी गौर मैया को हम रख देंगे इसके नीचे। तो ये है हमारी गौर मैया, और इनको मैं इसमें रख दूंगी प्लेट में, अभी तो ऐसे करके यहाँ रख दूंगी। और बस अब मैं अपने भी लगाऊंगी। तो ये देखो हमने क्या किया है कि हमने इसको डाल दिया इसके अंदर। तो अब मैं अपना श्रृंगार करूंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करूंगी। तो चलो कर दूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी बुआजी आज है करवा चौथ, और ये देखिए मेरी बुआजी लाइन पैंट लगा रही है, ये देखिए। चल अब मैं करूँ। ये देखो अब आज करवा चौथ वाले दिन हमारे क्या बनता। अब मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि इतनी उल्टियां लग रही थी कि बस खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तब फिर दवाई मंगाई है, दवाई खा के और मैं करवा चौथ की पूजा का सामान बना रही, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमारी बन रही है सेमिया, और ये सेमिया बन रही है, और इधर मैं बना रही हूँ 14 पूड़ियाँ। तो चलो थाली बना के आपको दिखाऊँ। लाडो हो गई तैयार, और ये देखो कैसी लग रही है, कमेंट्स करके बताना। ये देखो ये वाला सूट इसने डाला हुआ है, और लहंगे के साथ की चुन्नी ली है,
अभी पेपर दे के आई है ना, तो फटाफट से तैयार हो गई है। तो चलो हम लोग करते हैं कथा और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।